मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पर चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे।